अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और हमारे एक दोस्त ही हैं, भाई हैं। लास्ट वीडियो में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वीज़े के मतलब बताओ। और पहले उसका मेंशन कर दें कि गोल्डन हिल्स के नाम से है, मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं। उन्होंने पूछा कि विजिट वीज़ा में दुबई में हैं और उनके पास लाइसेंस भी है और वो वीज़ा लेना चाहते हैं, और वो पूछ रहे हैं कि क्या एक्सपेंसेस हैं। इसके मतलब मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, और क्योंकि वो काफ़ी पुरानी हो गई है और चेंजिंग्स भी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके लिए परफेक्ट न्यू वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आजकल कितने चार्जेस वीज़े के ऊपर और सब कुछ कितने चार्जेस आते हैं, कितना खर्चा हो जाता है यानी कि। तो जनाब, वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक चली जाए। तो जनाब, अभी चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है वीज़ा, और वीज़ा लगाने के लिए कितने एक्सपेंसेस टोटल आएंगे, वीज़े की प्राइस और जो उसके अलावा जो टोटल एक्सपेंसेस है वो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जनाब वीज़े की बात करेंगे। डिफरेंट कंपनी है दुबई में, एक नहीं है, लिमोजिन कंपनियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना उनसे रابطہ करें, उनसे मिलें और उनसे ऑफिस में जाके बात करेंगे वीज़े का कितना लेंगे। लेकिन आजकल जो चल रहा है, रेट चल रहा है, वो तकरीबन 7,000, 6,500, और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो 6,000 भी लेती हैं। मतलब है कि 6,000 to 7,000 जो है ना वीज़े की फ़ीस है जो कि कंपनी चार्ज कर रही है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आता है कि आपके लिए इस काम करने के लिए आपको आरटीए कार्ड भी लेना पड़ेगा, ठीक है। आरटीए कार्ड के लिए तकरीबन 2,500 से 3,000 दरम लगेगा। अगर आप फेल होते हैं तो इससे ज़्यादा भी लग सकता है, 2,500 से 3,000, यानी कि 2,500 से लेके 3,000 तक आपका आरटीए का जो है ना ख़र्चा आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना ही मेडिकल कराना पड़ेगा, मेडिकल के लिए टाइपिंग करानी पड़ेगी, और इमरट्स आईडी कार्ड के लिए आपको जो फीसेज होती हैं वो भी आपको खुद पे करनी पड़ेंगी। जैसा कि टोटल आप अगर आप हिसाब कर सकते हैं कि टोटल यानी कि 6-7 हज़ार दरम जो वीज़े का, और आपकी जो इंश्योरेंस होगी ठीक है वो भी तकरीबन 600 से 800 दरम तक होगी, और इमरट्स आईडी कार्ड और वगैरह वगैरह तकरीबन ये 11-12 हज़ार दरम आपका टोटल ख़र्चा आ जाएगा, ठीक है, आपको गाड़ी चलाने के लिए। और भाई साहब ने कहा है कि इनके पास लाइसेंस है तो वो बहुत अच्छा है, अगर लाइसेंस नहीं हो तो और ख़र्चा होता है और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। और अगर आपके पास लाइसेंस है तो सिर्फ आरटी कार्ड लेना पड़ेगा, 15 क्लासेज हैं, उसके बाद आपके पास टेस्ट होगा और आप जल्द अज जल्द जो है ना ये काम स्टार्ट कर लेंगे। तो जनाब आज की ये इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट कल या परसों जब भी मौका मिला आपके लिए एडवांस एक और वीडियो बना दूंगा। एक दो लड़कों ने और कमेंट्स किए हैं कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दें, कि जैसा कि लेक्सिस के बारे में कितना आजकल ख़र्चा होता है, या कैडेंजा और वगैरह वगैरह और भी गाड़ियाँ हैं, तो उनके मतलब भी मैं जल्द अज जल्द वीडियो बनाऊँगा। और आपके मतलब अगर आपके पास और कोई कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आपके लिए मैं वीडियो के तौर पर लेके आऊँ, तो वो आप वो भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। तो जनाब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी दे दें सही ज़रा इजाज़त, और दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय एंड चाओ।